वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को पैरी पाना जी। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और नाश्ता हम कर चुके हैं और काम वाले काम पे जा चुके हैं। आरव अपना नाश्ता करके जस्ट अभी हटा है। ब्रूनो अपना लगा हुआ हेयर बैंड के साथ खेलने में। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने अमेजोन से अपनी 3 चीज़ें मंगवाई थी जिसमें से 2 आ गई हैं और एक शायद आकर वापस गई है या दोबारा आएगी, मुझे पता नहीं। क्योंकि जो डिलीवरी एजेंट आए थे उनको एड्रेस नहीं मिला, घर नहीं मिला। सुबह सुबह 8:30 बजे मैंने बहुत समझाया बट उनको लोकेशन समझ में नहीं आई, आई डोंट नो। तो डिलीवर्ड मतलब जो वो मेरा ऑर्डर था वो कैंसिल नहीं हुआ। अभी भी दिखा रहे हैं अराइविंग टुडे बाय 9 PM, तो रात को 9 बजे तक कभी भी आ सकता है। तो आई विल बी एट होम। और मैंने मंगवाए थे अपने काजल जो ख़त्म हो गए हैं, लास्ट खुला है। और जो पैकेट अभी आया है मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहा है अम्मी जी? डब्बा भाई ये देख, और अभी खुल लेना, मेरे से सीजर लग रही है छाने पे। मैं खोलता हूँ तो जल जा। और ये कौन है? हाय हाय, कैमरे के अंदर घुस जा सैमी। अरे भैया ये हमारा ब्रूनी है, पालू पालू। हाँ तो ब्रूनी पालू पालू मत कर, तेरे पे चढ़ जाएगा फिर वो। नहीं चढ़ेगा, मैं डरता नहीं, इससे बच्चा है। डरता नहीं, फिर भाग क्यों रहा है? मैं ऐसे भाग रहा हूँ यार। पैकिंग इनकी बड़ी मस्त होती है, मतलब फाइनली खुल गया, खुल गया। सेंटर से कट करना रह गया। अरे भाई बहुत आलस आ रहा है गाइस। चल ना आप, आज तो ठीक है, आज इतना आलस नहीं आ रहा। कल तो मैं बिल्कुल नहीं खुश नहीं आ रहा। खुल ही ना, थोड़ा सा रह गया। देखो गाइस आलस ही आलस आ रहा है। चलो ब्रूनी को देखिए गाइस। अरे मेरे खुल गया क्या भाई, बताओ। देख पैकिंग दिखा पहले, ये देख, ये देख जरा पैकिंग में। हाय हाय, देख रहा है क्या है ये? ये चीजें डाली हैं ताकि सामान जो अंदर का है वो हिले ना। पैकिंग बड़ी मस्त होती है। और सामान क्या है वो देखो, ये है मेरा सनस्क्रीन। ये कुछ टाइम बाद बंद होगी, वो हड्डियां ना बेजे लग जाए कि ऊपर से हिले ना। नहीं नहीं, ये है मेरा सनस्क्रीन और ये है मेरे हेयर पैक्स जो मैं लगाती हूँ और मेरे खत्म हो रहे थे। इतने से सामान मिलता, बड़ा डब्बा। और ये बड़े डब्बा काम आएगा पापा कह रहे थे, तो ये मैंने मंगवाया अपना ऑनलाइन स्टोर से। डोंट डू दिस, ठीक है? ये मेरा ऑनलाइन आयस में रीठा आंवला शिका का ब्रिंगराज है। यहाँ पे भी इंग्लिश बच्चे, डोंट डू दिस। अरे आदत पड़ गई ना बोल लेंगे। तो बस ये है मेरा आज का पैक और हो सकता है काजल आज आ जाए, क्योंकि दिखा रहे हैं आ जाएगा 9 बजे तक। तो ये 2 चीजें मैंने मंगवाई थी उसके लिए इतना बड़ा कार्टन, लेकिन पैकिंग बड़ी मस्त होती है, सेफ साइड। तो मैं आपसे मिलती रहूंगी सारा दिन। गाइज मैं अभी नहा धो के रेडी, और आज मैं बहुत टाइम से रेडी हो गई थी क्योंकि आज एक आरव का फ्रेंड आया है, स्कूल फ्रेंड, और आरव उसके साथ गया है पार्क में खेलने। ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मतलब आ रहे हैं वन बाय वन। और आज ब्रूनो को मैंने पिंजरे में बंद किया क्योंकि आज खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, बहुत तंग कर रहा है। पेडिग्री डाल के पिंजरे में डाल दिया, पेडिग्री खाएगा तो बाहर निकालूंगी वरना नहीं। और स्टूडेंट्स आ गए और मैंने जेप्टो से मंगवाया है ग्रॉसरी का सामान, आइए देखिए। चलिए चलिए, ये देखिए गाइस, ये मतलब मेरे नहा के बाहर आने तक सारी ग्रॉसरी ऑनलाइन होम डिलीवर और बहुत ही फ्रेश कंडीशन में। आप ये देखिए टमाटोज वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेश और टाइट हैं, कुछ ख़राब नहीं आता ऑनलाइन। ये तो वहम है लोगों का। ये देखिए भिंडी वगैरह मैंने मंगवाई है, पोटैटोज मंगवाए हैं, कॉलीफ्लावर देखिए, मैं आपको गोभी दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा गोभी का फूल और बिल्कुल फ्रेश और एकदम साफ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ख़राब आया हो। और ये एक मैंने मंगवाया है, ये देखिए, ये मुझे नाम नहीं पता है, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, विंग ग्रीन्स फार्म्स की टोमेटो कैचअप। और ये है ऑलमोस्ट 1 kg की, MRP है इसका 125 और ये मिली है 75 में। तो आप ये देखिए, ये स्मार्ट शॉपिंग, सेव्स टाइम सेव्स शॉपिंग। कमाल की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी सामान आपको इतना फ्रेश और कम दाम पर मिल रहा है, तो फिर हमें बाहर जाके टाइम वेस्ट करके धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आरव आएगा तो मैं आरव को और आरव के दोस्त को आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी, बने रहिए। और ये देखिए ब्रूनी को ये अपने टॉयज खाने में लगा है, लेकिन आज इसने खाना नहीं खाना। ये पड़ी इसकी पेडिग्री और ये रहा हमारा ब्रूनो। ब्रूनी खाना नहीं खाएगा आज, तो बाहर नहीं आएगा पक्का। ब्रो हेलो भाई, कैसा है? मैं तो बढ़िया एकदम। पर भाई दूसरा चला गया, लाइए जरा उसे। आयुष इधर आइए, नमस्ते बोलिए, आगे बोलिए कुछ। हाँ भाई हो रहा है, हो रहा है, भूत लग रहा है। मैं बोलूं क्या कुछ? भाई तो भूत लग रहा है भाई, मेरी बस शक्ल ले ले। अच्छा खुद को बताओ यार, कैसे हो, कौन हो, इंसान हो या कौन हो भाई, बताओ। मेरा नाम आयुष शर्मा है, मैं एक इंसान की जाति का एक बच्चा हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा सेक्शन बी है, मैं गुरु किशन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं आरव चौहान का दोस्त हूँ। धन्यवाद। गाइज मैं हुई हूँ अभी पढ़ाकर फ्री, बज रहे हैं रात के 8 और आज सारा दिन ब्रूनो ने सिर्फ मेरी जान खाई है, खाना बिल्कुल नहीं खाया।
और अभी उसको मैंने खाना दिया, उसके मतलब का खाना जो वो खाता है खुश होके, तब जाके उसने खाया, क्योंकि आरव का फ्रेंड आया हुआ था, शायद आरव ने आपको मिलवाया कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी उसको आरव छोड़ने गया है, तो आरव का फ्रेंड आया हुआ था, आरव उसके साथ बिजी था, इसलिए आज ब्रूनो को आ गया गुस्सा। तो आज का हमारा ब्लॉग का टाइटल होगा शीर्षक, ब्रूनो को गुस्सा क्यों आया। और देखिए अब इसको खाना मैंने खिलाया, अब महाशय जी जाकर आराम से बैठेंगे, और आज इसको ट्यूशन के टाइम पे मैंने बिल्कुल पिंजरे से बाहर नहीं निकाला, जब तक आरव नहीं आया इसको मैंने पिंजरे में ही बंद रखा एज अ पनिशमेंट, ताकि ये कुछ खाए, बट ढीठ नहीं खाया। तो अभी देखिए खा पी के महाशय जी कैसे लेटे हैं। बन्नू खाना हो गया आपका, खाना पीना हो गया, अब आराम हो रहा है, अब निन्नी आ जाएगी आपको, है ना शरारती। और गाइस ये देखिए ये पड़े हैं बिस्तरे, और जो सब्जियां मंगवाई थी वो भी बाहर ही हैं, अभी अंदर रखती हूँ मैं। और ये है ब्रूनो का बाउल जो उसने चट कर लिया। यहाँ पर हमारा कुकर में दाल रखी हुई है, और साथ में बनानी है आलू गोभी, और अभी ये बच्चों की किताबें ये सब साइड पे बिखरी पड़ी हैं, इनको हमने समेटना है। तो दाल वगैरह की रेसिपी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी आलू गोभी जो हम गुरुद्वारा स्टाइल या ढाबा स्टाइल में बनाते हैं, वो बड़ी यम्मी बनती है, बहुत ही टैंगी चटपटी सी बनती है। आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी मैं आज आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइज अब मैं जो जेप्टो से सारा सामान मैंने मंगवाया था ग्रॉसरी का, वो मैं अब सेटल करके लगाने लगी हूँ। ये देखिए गाइज, देखिए फ्रिज में से मैंने ये वेजिटेबल वाली जो टोकरी होती है फ्रिज की वो निकाली है, और इसमें आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी, बाकी आपको सारा सामान मिल जाएगा। ये देखिए पता है इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, दही में डालने वाली बूंदी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको पूरा साफ करके डालूंगी। ये अदरक मैंने बाहर निकाल दी, ये पड़े हुए हैं इसमें एप्पल्स, चलिए ठीक है, ये हैं खीरे, चलो ये भी ठीक है। टमाटर सिर्फ कितने थे, तीन चार, चार टमाटर है जो चारों भी यूज़ हो जाएंगे, दो दाल में दो आलू गोभी में। इसके अलावा सब्जी कुछ नहीं पड़ी हुई, ये है पीच बस, बाकी बूंदी, मैक्रोनी, मैगी, और ये थोड़ी सी अदरक, और ये धनिया, अदर सब्जी कोई है ही नहीं इसलिए मैंने सब्जियां मंगवाई हैं। और अब इसमें से मैं सारी छाटा छटाई करके किचन में रखूँगी ये सारा सामान, ताकि सब्जियों के लिए जगह बने, और फिर ये सारी सब्जियां जो जेप्टो से मंगवाई थी ये सारी सब्जियां जाएंगी इस बकेट में, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखा जाएगा, इतना मैसी नहीं। गाइज आप लोग यहीं से देख लीजिए कि मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, मैं जितना भी खिला रहा होता है ना मैं सब आपके सामने दिखाती हूँ, खिला रहा मचा हुआ है तो वो भी दिखा दे, वो भी, ये तो मेरा काम है ना, कि तो बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता, जल्दबाजी में जो चीज़ मिली जहाँ से फट फ्रिज में, बट फ्रिज में ख़राब नहीं होता, बाहर हो तो ख़राब हो सकता है, सिल सकता है और चूहे अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं टोकरी में डाल देती हूँ। तो अभी मैं ज़रा टोकरी साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं सारा सामान रखूँगी फ्रिज में, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी पूरी नीट एंड क्लीन। गाइज ये देखिए पूरी टोकरी साफ़ करके लगा दी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऊपर ऊपर रखे हैं, खीरे नीचे, और ये है हमारा सेब, ये अदरक ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैं चाय में यूज़ करती हूँ, भिंडी, और ये दो पैकेट मैक्रोनी और मैगी के खुले हुए हैं, इनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि बाहर ये ख़राब ना हो। तो ये हमारी सब्जियाँ सेटल हो गई, और गोभी तो मैंने अभी बनानी है, तो गोभी पड़ी है बाहर जो अभी बनेगी, और आलू अभी टोकरी में रखूँगी मैं, और ये है हमारी शुगर। तो चलिए अब मैं पहले दाल को तड़का लगा लूँ, और फिर मैं आपसे मिलूँगी आलू गोभी बनाते हुए। गाइज रसोई में काम करना, सरसों का तेल सड़ाने, इट्स हेल, मतलब आँखों में बहुत लगता है, और लग रहा है इस टाइम दाल को तड़का लग चुका है, मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो आइए मेरे साथ। ये देखिए गाइज सरसों का तेल अच्छे से जल गया है, अब मैं डालूंगी जीरा, और ये मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके आलू और प्याज काट दिए, इधर गोभी और टमाटर, आई एम टेलिंग यू, ये देखिए गोभी एक्चुअल में बहुत फ्रेश आई है, तो बहुत ही अच्छी गोभी मिली है, आई डोंट नीड टू गो आउट सीरियसली। तो अभी मैं डालूंगी सब कुछ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ। गाइज ये मैंने जीरा प्याज और आलू डाल दिए, अब मैं इसको हल्का सा शेलो करूँगी ब्राउन, हल्का हल्का, और दो मिनट बाद गोभी और टमाटर दोनों डाल दूँगी। गाइज ये देखिए मैंने गोभी भी डाल दी और टमाटर भी डाल दिए, और आप देखिए कढ़ाई मुझे लग रहा है कि छोटी पड़ने वाली है, बट अब मैं इसे बड़ी कढ़ाई में तो पलटूंगी नहीं, इसी में एडजस्ट करके बनाऊँगी, अब और कुछ डालना नहीं है, और मैं थोड़ा सा हिला लूँ, फिर मैं डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और MDH का चना मसाला। गाइज देखिए मैंने इसमें डाला है दो बड़े चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच हल्दी, दो बड़े चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि पक जाए। गाइज देखिए मैंने ऑलमोस्ट आधा ग्लास पानी डाल दिया है इसके अंदर, और अब मैं इसको ढकूंगी और इसको कर दूंगी यहाँ पर सिम पर, क्योंकि ये सबसे तेज़ वाली साइड है, ये धीरे धीरे पकती रहेगी, और इधर हमारा ये जो बर्तनों का काम पड़ा था हम तब तक ये करेंगे, और थोड़ी सी बनाएंगे ब्लैक कॉफ़ी। और जैसे ही आलू गोभी बन के रेडी होगी मैं आपको दिखाऊंगी, आई मस्ट टेल यू, आपके मुंह में पानी आएगा क्योंकि बहुत टेस्टी बनने वाली है। वैसे मैं अपने खाने की खुद ही बड़ी तारीफ करती रहती हूँ, आई नो अच्छा बनता है, जल्दी और फटाफट कभी आइए खाइए तो आपको पता चलेगा। तो बस अभी मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, उधर से बर्तन करती हूँ और काम रेडी, और बस आटा गूंदना है और काम खत्म। गाइज आलू गोभी बन के हो गए हैं रेडी बिल्कुल, दाल भी बननी चाहिए, चावल बने पड़े हैं, और अब मैं बना रही हूँ बच्चों की रोटी,
उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टेस्टी यम्मी आलू गोभी। ये देखिए गाइस, ये है हमारी आलू गोभी जो बिल्कुल बाजारी स्टाइल या गुरुद्वारा स्टाइल जैसी बनी है, और ये अभी बच्चे खाएंगे और उनकी रोटी बनने वाली है। तो ये देखिए, ये टोटली गुरुद्वारा स्टाइल आलू गोभी है, और यहाँ माइक्रोवेव में हमारी ब्रूनी का खाना गर्म हो रहा है और दाल बन चुकी है। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब भूख बहुत तेज़ लग रही है। आलू गोभी की खुशबू से ना मुँह में पानी आ रहा है और मन कर रहा है फटाफट इनके साथ एक रोटी खा ली जाए। वैसे तो मन मेरा पराठा खाने का और है, लेकिन अब रात को पराठा नहीं बाबा, पराठे जैसी सेहत हो जाएगी नहीं तो मेरी, तो पराठा मैं खाऊंगी कल सुबह नाश्ते में आलू गोभी के साथ फॉर श्योर। मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है आपसे बात करते करते, कंट्रोल। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।